गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पैन कार्ड में अपना फोटो और सिग्नेचर कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए कुछ खास नहीं है, NSDL की वेबसाइट पे जाके मैंने सारी चीजें सिखाई है स्टेप बाय स्टेप। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें मुझे ये बतानी है आप लोगों ने कि इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके एड्रेस के, जिसपे भी आप इसे पोस्ट कराना चाहते हैं, जो आपका पैन कार्ड आएगा बाय पोस्ट, तो उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट जरूर देना है जिस एड्रेस पे आप मंगा रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर उसका डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपके पैसे वेस्ट हो जाने हैं और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो चलिए हम सीख लेते हैं कैसे हम अपना फोटो और सिग्नेचर अपने पैन कार्ड पे चेंज करें। गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेज का लिंक मिल जाएगा हमेशा की तरह। सिंपली आज हम क्या करने वाले हैं, करेक्शन करने वाले हैं। थर्ड ऑप्शन आपको यहां पे मिलता है चेंज ऑफ करेक्शन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आप इंडिविजुअल चूज करेंगे। इसके बाद में आप अपना टाइटल चूज करेंगे श्री श्रीमती कुमारी, एंड देन इसके बाद में आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। लाइक मेरा नाम गौरव कुमार है तो मैं यहाँ पे गौरव लिखूंगा एंड यहाँ पे कुमार लिखूंगा। अगर मेरा नाम ओनली गौरव ही है तो मैं सिर्फ यहाँ पे गौरव लिख के छोड़ दूंगा। देन यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एंड एक ईमेल आईडी एंड एक मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड में लिंक्ड है। देन यहाँ पे वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया सिंपली आपको यस करना है, एंड यहाँ पे पैन नंबर देंगे आप जिसमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं। यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पे सिंपली चेक करेंगे, एंड कैप्चा कोड सेम है जो एट द टाइम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे फिल करेंगे एंड सबमिट। देन इसके बाद में आपके पास में एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये टोकन नंबर बहुत काम आने वाला है इन फ्यूचर, तो इसको आप स्क्रीन शॉट लेके रख लें या इसका जो है कहीं पे नोट डाउन करके इसे रख लें। देन सिंपली कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा मेन पेज पे। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं, सबमिट डिजिटल थ्रू EKYC एंड E-sign पेपरलेस। मतलब इसका मीन्स ये है कि आपके जो आधार कार्ड में फोटो है इससे वो फोटो आपके पैन कार्ड पे आ जाएगा और जो साइन वगैरह है वो इसी से E-sign हो जाएंगे। देन सेकंड ऑप्शन है सबमिट स्कैंड इमेज थ्रू E-sign। यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने जो है फोटो और सिग्नेचर जो है सबमिट कर देंगे ऑनलाइन यहाँ पे, तो ये तब भी आपका करेक्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है टोटली फिजिकली, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको NSDL को फॉरवर्ड करने होंगे बाय पोस्ट। देन आप हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, इसके बाद में नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, सो हमें फिजिकल पैन कार्ड की रिक्वायर्ड है तो हम सिंपली यस करेंगे। अगर आपको ओनली डिजिटल पैन कार्ड चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हैं। इसके बाद में हम नीचे आएंगे, पैन कार्ड हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है। देन यहाँ पे आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल, सिंपली इस पे चेक करेंगे। चेक करने के बाद में लास्ट के 4 डिजिट आपको अपने आधार कार्ड के यहाँ पे मेंशन करने हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे जो कि आधार कार्ड में मेंशन है सेम एज, एंड यहाँ पे अगर कोई गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर है तो आप अपना देंगे, अदरवाइज की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे और ये जो है फुल नेम आपको आपके आधार कार्ड में जो भी है वो पैन कार्ड पे मेंशन होगा। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेक करेंगे अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तब, और अगर आप जेंडर में भी चेंज करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे चेक करेंगे एंड अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तब भी चेक करेंगे, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। देन इसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो मिसमैच, तो यहाँ पे आपको फोटो मिसमैच हमारा, तो हम फोटो मिसमैच पे चेक करके रखेंगे क्योंकि हमें फोटो ही चेंज करना है, एंड सिग्नेचर मिसमैच पे सिग्नेचर करके रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ पेरेंट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, तो सिंपली इसे हम अनचेक रहने देंगे। यहाँ पे आप अपना फादर नेम देंगे, सरनेम यहाँ पे देंगे, और जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे देंगे। उसके बाद में मदर्स नेम ऑप्शनल है, इट्स योर चॉइस कि आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यहाँ पे क्या चाहते हैं कि आपके फादर का नेम आए पैन कार्ड पे या मदर का नाम आए। अगर मदर का नेम आप चाहते हैं कि मदर का नेम आए तो आपको मदर की यहाँ पे डिटेल देनी होगी। देन हम यहाँ पे फादर नेम रखेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। देन फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, हम नेक्स्ट स्टेप आगे आ गए हैं, कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल्स आपको देनी होंगी। आप चाहे तो यहाँ पे रेजिडेंस एड्रेस एंड ऑफिस एड्रेस दोनों में से एक दे सकते हैं। जो भी एड्रेस आप देंगे ये पैन कार्ड आपकी जो फिजिकल कॉपी है वहीं पे डिस्पैच करी जाएगी, सो हम यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस देने वाले हैं। एंड ये पॉपअप खुलता है, यहाँ पे आप चाहे तो सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, अपना जो डाटा है वो सेव हो जाएगा आपका। अगर कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल इशू आता है, तो आपका जो डाटा है वो सेव रहेगा।
देन यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स का। सिंपली आप इसे चेक करेंगे तो ये जो आपके डिटेल्स हैं वो इसमें लिंक हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई और एड्रेस मेंशन करना तो यहाँ पे आप कोई भी और एड्रेस यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इसकी कोई नीड नहीं है। देन फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर, अगर आपके पास एक से ज़्यादा कई और पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे तो ये डिसेबल कर दिए जाएंगे। देन सिंपली नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको देनी है। यहाँ पे हम सारे काम अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड लेंगे। तो आधार कार्ड हमारा आ गया है, चूज कर लिया हमने। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम आधार कार्ड लेंगे एंड प्रूफ ऑफ बर्थ में भी हम आधार कार्ड ही लेंगे। एंड यहाँ पे पैन ऑफ प्रूफ, तो पैन का प्रूफ यहाँ पे हमें देना है। पैन की आपके पास अगर कॉपी है तो आप वो देंगे, या एक अलॉटमेंट लेटर उठता है पैन का वो देंगे, अदरवाइज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नो डॉक्यूमेंट्स पे चूज करेंगे। हमारे पास कॉपी है तो हम कॉपी चूज करेंगे। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे, जिसके भी नाम जो भी जिसका भी नाम से बनना है वो अपना यहाँ पे नाम देगा। एंड देन यहाँ पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ लेना है। एंड इसके बाद में एंड ये जो लिखा है आई वी हैव एनक्लोज, तो हम कितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं, तो हम एक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पे वन लिखेंगे। एंड प्लेस जहाँ से भी आप इसे अप्लाई कर रहे हैं वो करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये ध्यान रहे कि जो आपका फोटो है 50 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, 3x5x2.5 का होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है ऐड हो जाएगा यहाँ पे। एंड अपलोड पे सिंपली क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ भी जो आपके सिग्नेचर है वो भी आप इस तरह से अपलोड करेंगे। देन यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं इसमें वो देना होगा। हमने आधार कार्ड लिया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, उसका साइज 300 KB का होना चाहिए और वो ओनली PDF में होना चाहिए। एंड इसके बाद में आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। एंड सिंपली सबमिट। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपने 8 डिजिट डालने हैं अपने आधार कार्ड के, जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन होते हैं। एंड इसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपने, चेक कर लेंगे एक बार कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छे से चेक करने के बाद में सिंपली आप नीचे आएंगे ड्रैग करते हुए एंड प्रोसीड करेंगे। देन आपको पेमेंट करनी होगी। आप यहाँ पे 3 तरह से पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डर। हम पेटीएम से करेंगे तो हम सेकंड ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इसमें पेमेंट होगी 106.90 की, लगभग 107 रुपये। यहाँ पे नीचे चेकबॉक्स आपको दिखेगा, सिंपली चेक करेंगे एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में पे कंफर्म, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके पेमेंट गेटवे पे। तो हम जो पेमेंट है हम ये QR कोड से करने वाले हैं, तो सिंपली आप इसे स्कैन कर सकते हैं। एंड स्कैन करने के बाद में आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, बट हम स्कैन से करेंगे तो ये ज़्यादा ईजी होता है। हमारी पेमेंट हो रही है तो आपको ये रिफ्रेश या कुछ करना नहीं है। योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसीड, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। सो अगर इस तरह का कोई एरर आपके पास में आ जाता है तो आपको जो मैंने टोकन नंबर बताया था कि वो नोट डाउन करके रखना है, तो उस पे आपको जाना है। सिंपली यहाँ पे होम पे जाएंगे एंड यहाँ पे रजिस्टर यूजर पे जाएंगे। सिंपली जो टोकन नंबर था आपको यहाँ पे वो टोकन नंबर देना है, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड सेम एज आप मेंशन करेंगे एंड सबमिट करेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी जो डिटेल है वो कैप्चर कर ली है। सिंपली आपको यहाँ पे चेकबॉक्स दिख रहा होगा, इसे चेक करेंगे एंड ऑथेंटिकेट करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा OTP ऑथेंटिकेशन है वो आ गया है। सिंपली इस पे क्लिक करना है। सो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ डालेंगे एंड सबमिट करेंगे। देन यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करेंगे आप लोग। तो आप देख सकते हैं प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, रिडायरेक्टेड टू NSDLEST गेटवे। सो यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिख रहा है, सिंपली इस चेकबॉक्स पे आप चेक करेंगे। देन यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे एंड सेंड OTP पे अगेन क्लिक करेंगे। OTP आपके आधार में जो लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे पहुंच चुका होगा। सिंपली यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड वेरीफाई OTP पे फिर से अगेन क्लिक करेंगे।
सो आप देख सकते हैं सक्सेस ओटीपी वेरीफाइड। अभी आप इसे रिफ्रेश या कुछ बैक नहीं करेंगे, इसे प्रोसीजर को चलते रहने देना है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा करेक्शन है वो हो चुका है। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ का पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड ओके करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी डिटेल्स है वो ओपन हो गई है। अच्छे से आप इसे देख सकते हैं, पूरी डिटेल जो आपने दी थी वो इस पे मेंशन है। एंड आप चाहे तो इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं, अदरवाइज की कोई नीड नहीं है। विद इन 15 डेज आपके दिए हुए एड्रेस पे ये बाय पोस्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में मैंने हर चीजें बारीकी से सिखाई है, अगर फिर भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जैसे कि हमेशा आपको रिप्लाई देता ही हूं। सो मिलते हैं किसी ने अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।